वेलकम टू अवर चैनल अमृतम आयुर्वेद। हमारे चैनल में मानव जाति के कल्याण के लिए आयुर्वेद हेल्थ टिप्स बताई जाती हैं। अतः हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और लोगों को भी गंभीर रोगों से बचाया जा सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषि मिश्रा, एमडी आयुर्वेद, लेक्चरर इन राजीव गांधी कॉलेज भोपाल। आज हम बात करने जा रहे हैं एसिडिटी रोग के ऊपर। एसिडिटी रोग को आयुर्वेद में अम्लपित्त भी कहा जाता है। यह रोग बहुत ही कॉमन होते जा रहा है, क्योंकि हमारी रहन सहन, खान पान की शैली बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण हमको अम्लपित्त रोग होने लगता है। आइए आज हम इस रोग के बारे में आपको बताएंगे, किन कारणों से ये रोग होता है, साथ ही क्या लक्षण मिलते हैं और क्या हम घर में उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आप इस रोग से घर में ही छुटकारा पा सकें, घर की होम रेमेडी को इस्तेमाल करके आप इस रोग से बच सकें। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किन कारण से हमारे शरीर में अम्लपित्त रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे पहला आता है अनियमित भोजन शैली। इसमें लंबे अंतराल में अगर हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमको अम्लपित्त की शिकायत बढ़ने लगती है। दूसरी बात आती है इसमें जंक फूड का इस्तेमाल करना, तेल मिर्ची मसालेदार भोजन का अधिक सेवन करना, बासा खाना खाना, इन आहार को अगर हम सेवन करते हैं तो अम्लपित्त की शिकायत बढ़ती जाती है। दूसरे नंबर पर आता है अनियमित निद्रा। अगर हम प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते हैं तो हमको एसिडिटी की शिकायत होने लगती है। साथ ही कई बार हम खाना खाके तुरंत सो जाते हैं, यह भी हमें अम्लपित्त की शिकायत बढ़ाता है। तीसरे नंबर पर आता है शारीरिक व्यायाम की कमी। साथ ही चौथे नंबर पर आता है चाय कॉफी का अत्यधिक सेवन करना। पांचवें नंबर पर आता है शोक क्रोध चिंता, इनके कारण भी हमें अम्लपित्त की शिकायत बढ़ती है। छठवें नंबर पर आता है कई ऐसी दवाइयां होती हैं जिनका साइड इफेक्ट होता है एसिडिटी क्रिएट करना, तो इन दवाइयों के कारण भी हमको एसिडिटी रोग होने लगता है। अब हम जानते हैं कि हमें एसिडिटी रोग में क्या लक्षण मिलते हैं। इसमें सबसे प्रमुख लक्षण छाती में जलन होना या सीने में जलन होना, साथ ही हमारे मुंह में कई बार छाले तक बन जाते हैं, गले में खराश रहना, गले में दर्द होना, यह समस्या भी हमको देखने में आती है। कई बार रोगी अपनी सांस में बदबू को भी अनुभव करने लगता है, खट्टी डकार आना, साथ ही पेट फूलना, पेट में दर्द होना, इसके साथ ही कई रोगियों में देखने में आता है कब्ज का होना, यह प्रमुखता लक्षण थे एक अम्लपित्त रोगी में मिलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उपचार के ऊपर। इसमें हम आपको कुछ होम रेमेडी बता रहे हैं जो कि आपकी एसिडिटी को तुरंत ही खत्म करेंगे। इसमें आप सबसे पहले मुलेठी का काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आप ठंडा दूध का सेवन करेंगे तो भी एसिडिटी में आराम मिलेगा। तीसरे नंबर पर आता है सौंफ, इलायची और मिश्री, इसका चूर्ण बना के रख लें, जब एसिडिटी जैसा लगता है तब आप इसको लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चौथे नंबर पर आता है सौंफ, आंवला और गुलाब की पंखड़ी, इसका एक मिश्रण बना के रख लें, आपको जब एसिडिटी जैसा लगता है आप इस चूर्ण को अगर खाते हैं तो आपकी एसिडिटी में तुरंत लाभ मिलेगा। पांचवें नंबर पर हम आपको जो टिप्स बता रहे हैं, इसमें आप एलोवेरा को सुबह खाली पेट अगर निरंतर सेवन करते हैं तो अगर हमें क्रॉनिक एसिडिटी की शिकायत है तो वो दूर होती है, या फिर हम सुबह खाली पेट पेठे का सेवन करते हैं तो भी हमको बहुत लाभ मिलता है। खाली पेट गुलकंद का सेवन करना भी हमें लाभदायक होता है अम्लपित्त रोग में या एसिडिटी रोग में। तो ये जो आपको पांच टिप्स बताई, आप इनको फॉलो कीजिए, इससे आपको एसिडिटी में बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि एसिडिटी रोग में किन सब्जियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बीन्स की सब्जी या फिर हम फूल गोभी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां जिसमें पालक आती है, नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, पौधीने का प्रयोग कर सकते हैं, परवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं, कद्दू का प्रयोग कर सकते हैं, खीरे का प्रयोग कर सकते हैं, गाजर का प्रयोग कर सकते हैं, टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये सब्जियां बताई गई जो कि एसिडिटी वाले रोगी के लिए लाभदायक हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फल के ऊपर। फलों में कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम तरबूज, खरबूज, केला, अनार, सेब, अमरूद, नाशपाती, जामुन, अनानास,
नारियल पानी, इन फलों का अगर हम सेवन करते हैं तो एसिडिटी में हमें बहुत लाभ मिलता है। आइए दोस्तों, अब हमको कुछ सावधानियों के ऊपर ध्यान देना है। इसमें सबसे पहले आहार से संबंधित सावधानी, तो हमें चटपटे खाने से परहेज करना है, मसालेदार खाने से परहेज करना है, बाहर के जंक फूड को प्राथमिकता ना दें, घर के खाने को प्राथमिकता दें। दोस्तों चाय कॉफी से परहेज करें, जब हमको एसिडिटी हो रही हो तो चाय कॉफी का प्रयोग ज़्यादा ना करें, इससे हमारी एसिडिटी का रोग बढ़ता है। साथ ही अचार, पापड़, चटनी, इनका प्रयोग कम से कम करें अगर हम एसिडिटी के रोगी हैं तो। मुख्य बात, हमें खाने का समय निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। समय निर्धारण करने से हमारे पेट में जो जूसेस हैं वो उस समय के अनुसार निकलते हैं। अगर हम वो समय क्रॉस कर देते हैं तो फिर हमारे पेट में जूसेस आ जाते हैं जिसकी अधिकता के कारण हमें एसिडिटी रोग होने लगता है। तो खाने का समय निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अपनी जीवन शैली के ऊपर जरूर ध्यान दें। जीवन शैली में आप योग या व्यायाम को जरूर जोड़ें। साथ ही अपनी निद्रा पर भी ध्यान दें, 6 से 8 ओवर की निद्रा जरूर से लें। साथ ही सोने के 3 घंटा पूर्व भोजन को कर लेना अच्छा रहता है। इसके बाद आप जब सोने जाते हैं तो लेफ्ट करवट में सोए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा अम्लपित्त रोग को कम करने में। इसके बाद में आप क्रोध, भय, चिंता, इनसे अपने आप को विमुक्त रखें। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियां बताना चाहूंगा। इसमें सिंगल ड्रग में मुलेठी, शतावरी, चिरायता, चंदन, एलोवेरा, यह कुछ सिंगल ड्रग हैं जो कि आपके अम्लपित्त रोग में आपको लाभ पहुंचाएंगे। साथ ही पंचकर्मा में आप वमन, विरेचन, यह प्रक्रिया करा सकते हैं। दोस्तों मेरा आप सभी से एक निवेदन रहेगा, हमने आपको होम रेमेडीज बताई, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर करें। इसमें बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद में वर्णित हैं जो कि तुरंत काम करती हैं या तुरंत लाभ पहुंचाती हैं। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध रहेगा, आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर करें, जिससे वो आपको प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन देकर आपको अम्लपित्त रोग से निजात दिला सकें। मेरी आप सभी को शुभकामनाएँ हैं, आपका दिन शुभ रहे। जय आयुर्वेद।